देखें जी, इस वक्त हम सिटी कोर्ट में मौजूद हैं। उम्मे हबीबा केस की आज भी समाप्त हुई, मेडिकल रिपोर्ट आज भी अदालत में जमा नहीं हुई है। उम्मे हबीबा की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। आज भी आप अदालत में पेश हुई हैं, और आप खुद ही बताएं कि आज अदालत में क्या हुआ। देखें, आज की तारीख दी गई थी कि अब बच्ची का मेडिकल आ जाएगा। अभी जब अदालत में पहुँचे तो आईओ ने बोला है कि अभी तक मेडिकल नहीं आया, हफ्ते को मेडिकल आएगा। और उनके वकील भी पेश हुए, वही हफ्ते को कह रहे थे इनका मेडिकल आएगा। और जो है तीसरा महीना लग चुका है और अभी तक मेरी बच्ची का मेडिकल नहीं आया। जो एक क्रिस्टन बच्ची गई थी उनका मेडिकल 10 दिन के अंदर आ गया था, लेकिन उम्मे हबीबा का अभी तक मेडिकल नहीं आया है। तीसरा महीना लग चुका, अभी तक मेडिकल नहीं आया। अच्छा, इससे कबल आप कह रही थी कि शॉपिंग वॉपिंग बच्ची को कराई गई है, क्या है? जी, बच्ची को शॉपिंग कराई गई है बहुत सारी। और मुलजिम अब्दुल्ला ने शॉपिंग कराई है, और शॉपिंग करा के मेरे शोहर के हाथों उसको बच्ची को कपड़े भेजे गए हैं, और बच्ची को मतलब वहाँ पे पैसे भी पहुँचाए गए हैं। इनके वालिद साहब ने पहुँचाए, क्योंकि इनके पापा की तो जॉब नहीं थी, शायद कह रहे हैं अभी लगी है, पता नहीं नहीं लगी, और नौकरी नहीं थी और वो काम भी नहीं करते थे, तो वो कहाँ से 20,000 रुपये बच्ची को दे देंगे। और बच्ची को वहाँ पैसे भी पहुँचाएंगे और बच्ची को पूरी शॉपिंग करके वहाँ पहुँचाएंगे। अच्छा, आपके जो शोहर हैं वो अभी बच्ची से मिलते रहते हैं? जी, अभी वो बच्ची से मिलते रहे। और आप नहीं मिल सकती? नहीं, मैं नहीं मिल सकती, और मैं अभी नहीं मिलूंगी। जब तक मेरी बेटी मुझे नहीं मिलेगी तो मैं नहीं, जब तक नहीं बोलेगी तो मैं नहीं मिलूंगी, और मेरी बेटी मुझे ज़रूर बोलेगी। अच्छा, आप क्या चाहती हैं कि उम्मे हबीबा आपके घर आए या अभी तक शेल्टर होम में रहे जब तक 18 साल की नहीं होती? देखें, मैं हबीबा का जो पूरा दिमाग है ना, वो पूरा पलटा हुआ है। अच्छा। हबीबा का दिमाग सही नहीं, अंदर से हबीबा बहुत बीमार है, अपने आप को ही काट रही है और जो है मतलब मार रही है अपने आप को। तो मैं ये चाहती हूँ हबीबा चाइल्ड प्रोडक्शन में रहें, इसका इलाज हो, और हाँ वहीं पे इलाज हो, 10 डॉक्टर बैठेंगे, इलाज हो, बच्ची का दिमाग फ्रेश हो, फिर मेरी बेटी मेरे पास आए। अच्छा जी। तो अच्छा, आपने एक और खुला का भी केस दायर किया? जी, वो मैंने किया। वो भी आपने कर दिया? जी, मैंने कर दिया। अच्छा, उसकी अब तारीख कब होगी? उसकी तारीख देखें, अभी ये जो महीना है ना जून का, इस महीने तो ये महीना जो है ना नहीं, ये सब केस चलेंगे, ये सारे जो सीरियस केस हैं वो चलेंगे। अच्छा, छुट्टी की वजह से? जी, ये नहीं चलेगा, तो जुलाई के महीने मेरा केस चलेगा। अच्छा, जैसे आपने खुला का केस दायर किया, जुलाई के आपके आपके शोहर ने कोई आपसे रब्ता किया कि आप खुला का जी केस मेरे शोहर सुलह करने के हैं कि मतलब मैं आऊँगा, मैं घर आऊँगा, तो मैंने इस पे कोई जवाब नहीं दिया, और ना ही मैं सुलह करना चाहती हूँ, ना ही मैं करूँगी। आप लोग खुद बताएं, सब लोग मुझे इतने बुरे टाइम में छोड़ के गए, जब हम दोनों ने एक साथ मिल के चलना था, बच्ची का केस लड़ना था। दुआ जारा के मम्मा पापा ने दोनों ने मिल के आज देखे उनकी बेटी उनके पास बैठी हुई है, और इनको ये नहीं पता जो इनको जायदादें दिखाई जा रही हैं, घर दिखाए जा रहे हैं, 10-10 घर दिखाए जा रहे हैं। ऐसे तो हम भी कोई भी घर अपना दिखा देंगे कि ये हमारे इतने घर हैं। आप जो लालच में आ गए हैं कि इतनी जायदाद है इनके पास, इतना कुछ है, वो तो लालच भरे मुझे भी वॉइस मैसेज कर रहा है, मैं गाड़ियों के ये शोरूम खोल रहा हूँ, मैं गाड़ियाँ बेच रहा हूँ, मैंने अपना कारोबार कर लिया, और वॉइस मैंने आप लोगों को भेजे भी हैं, जो सिर्फ पैसे की बात कर रहा है, पैसे की बात कर रहा है। तो आप लोग सुन सकते हैं, तो बस ये लालच में नहीं आए, लालच में आके आप अपनी बेटी उनको फरोख्त कर रहे हैं, दे रहे हैं पैसों के लालच में, तो ये गलत है। ये मतलब बेटी है हमारी, कोई सामान नहीं है जो बेच दिया जाएगा, ये दे दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाँ।